दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज की। डायबिटीज होता क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और डायबिटीज को हम कैसे पहचानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायबिटीज के बारे में। मधुमेह, जिसे लोग डायबिटीज के रूप में भी जानते हैं। अब बात करेंगे डायबिटीज होता कब है। डायबिटीज तब होता है जब शरीर में पैनक्रियाज नामक ग्रंथि इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो व्यक्ति मधुमेह पीड़ित होता है। इंसुलिन ही रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है। आमतौर पर मधुमेह दो प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, वो तेजी से शरीर में रोगों को बढ़ाता है। डायबिटीज का किडनी में तेजी से प्रभाव पड़ता है, किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज के क्या लक्षण है, कैसे डायबिटीज को पहचाने। डायबिटीज के जो मुख्य लक्षण है, बार बार पेशाब आना। मधुमेह ग्रस्त व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में इकट्ठा हुआ शुगर पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। बार बार प्यास लगना और बार बार पेशाब जाना, यह भी एक मधुमेह का ही लक्षण है। और दोस्तों, बार बार भूख लगना, जो व्यक्ति मधुमेह पीड़ित होता है उसे बार बार भूख लगती है, ये भी एक मधुमेह का ही लक्षण है। वजन कम होना, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति का वजन तेजी से कम होने लगता है। आंखों में धुंधलापन, अत्यधिक थकावट, अगर पूरी नींद लेने के बाद भी कुछ काम ना करने पर भी थकावट हो तो यह भी मधुमेह का ही लक्षण है। घाव का जल्दी ठीक न होना, अगर कहीं पे चोट लग जाती है और घाव भरने में काफी टाइम लग रहा है तो यह भी एक मधुमेह का ही लक्षण है।